सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे आईफोन XR पे iOS 18 के बीटा 5 का BGMI टेस्ट। तो ये अपडेट आया था iOS 17.6.1 के साथ में ही, तो मैं उस टाइम पे इसकी वीडियो नहीं बना पाया। और अभी इसको लगभग 3 या 4 दिन हो चुके हैं आके, तो मैंने 2-3 दिन पहले ही इसकी वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो उसी का आज आपको मैं रिव्यू देने वाला हूं। और 4 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो उसका ही पूरा रिव्यू दूंगा कि पहले BGMI कैसा चल रहा था अपडेट करने के तुरंत बाद और अभी कैसा चल रहा है, और बाकी ये अपडेट कैसा है, और iOS 18 का बीटा वर्जन आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ये भी बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। और मेरे आईफोन XR की बैटरी हेल्थ है 79% एंड अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100% मेरे XR की बैटरी हो रही है, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:14 हो रहे हैं। और गेम मोड भी यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है, और गेम मोड का ग्लिच यहाँ पे फिक्स हो गया जो टेक्स्ट नहीं दिख रहा था। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, और आपको कहीं भी लैग दिखेगा तो नीचे कमेंट करना। और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस यहाँ तक मेरे को खेलते हुए आधे घंटे से ज्यादा ही हो चुका है, 11:54 हो चुका है टाइम, और बैटरी भी आ चुकी है हमारी 73% पे। तो यानी कि मेरे को खेलते हुए यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ज्यादा हो चुका है iOS 18 के बीटा 5 पे मेरे आईफोन XR में। और इन 40 मिनट्स में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है यहाँ पे 27%। मैंने खेलना चालू किया था 100% पे और अभी आ चुकी है 73% पे, तो 27% की बैटरी हमारी गई है। तो 40 मिनट्स के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी हमारी सही चल रही है, 27-28 ऐसे रेन होनी चाहिए 40 मिनट्स में। और 79 बैटरी हेल्थ है, तो उस हिसाब से भी 27 जाना काफी कम है, आराम से यहाँ पे 35 तक तो जानी चाहिए थी। और BGMI भी ऑप्टिमाइज नहीं है भाई, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई 35-34 ऐसे तो जानी चाहिए थी 40 मिनट्स में। तो 40 मिनट्स के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि बैटरी हमारी बढ़िया चल रही है iOS 18 के बीटा 5 पे हमारे आईफोन XR में। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी अच्छी देखने नहीं मिल रही थी, मतलब लैग तो काफी ज्यादा हो रहा था, फ्रेम ड्रॉप भी काफी हो रहे थे, आपने भी देखा होगा। और वैसे मैं ज्यादा लैग वाली क्लिप से दिखाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 तो दिखाई है, बट यहाँ पे जो लैग है ना वो काफी ज्यादा हो रहा था। और हीटिंग भी मेरे को पहले से ज्यादा देखने मिल रही थी, iOS 18 के बीटा 4 से ज्यादा हीटिंग मेरे को देखने मिल रही थी। और मेरे को एक नया ग्लिच देखने मिला iOS का, अभी तो वो ग्लिच नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये मैं BGMI टेस्ट बना रहा था तब बहुत ही गंदा हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था इस ग्लिच से। मतलब आपको ये वाले ग्लिच का तो पता ही होगा कि iOS वाले जब भी माइक ऑन करते हैं तो भाई माइक में से नॉइस आती है, जबकि पीछे फैन वगैरह नहीं चल रहा होता है और फैन जैसी ही नॉइस आती है। लेकिन अभी मेरे साथ क्या रहा था, ये वाला ग्लिच तो हो ही रहा था, बट मेरे को जो टीममेट्स की आवाज है ना वो बहुत ही कट कट के आ रही थी, जबकि मेरा 20 ms से 32 ms ऐसे आ रहा था, सारी टीममेट्स की आवाज कट कट के आ रही थी और मेरी आवाज उनको प्रॉपरली जा रही थी, और मेरे को बार बार गेम को रीस्टार्ट करना पड़ रहा था तब जाके ये इशू सॉल्व हो रहा था। तो भाई पता नहीं क्या क्या इशूज आ चुके हैं, लेकिन अभी ये इशू सॉल्व हो चुका है 4 दिन बाद। कल ही मैंने आईफोन XR पे गेम प्ले किया था और तब ये वाला इशू नहीं हो रहा था। तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस मिली मेरे को इन 40 मिनट्स में, बाकी अभी आए गेम प्ले करते हैं और आगे मैं आपको और चीज बताने वाला हूं। तो अभी आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Moving with the motion.
गाइस फाइनली यहाँ पे मेरे को खेलते हुए 1 आवर कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है 56% पे और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12:17 हो रहे हैं, यानी कि मेरे को खेलते हुए 1 घंटे से ज्यादा ही हो चुका है, 1 आवर से ज्यादा हो चुका है, लगभग 4 या 5 मिनट ज्यादा हो गई है। तो इस 1 आवर और 4 या 5 मिनट में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है 44%। और देखा जाए ना तो भाई बैटरी एकदम सही यहाँ पे चल रही है बैटरी हेल्थ के हिसाब से, और ये मैं बस 1 घंटे के हिसाब से नहीं बता रहा, 3 या 4 दिन इस अपडेट को आके हो चुके हैं और तभी से मैं यूज कर रहा हूँ और तभी से मैंने काफी ऑब्जर्वेशन करी है। नॉर्मल भी बैटरी अच्छी चल रही है और बीच में भी मैंने 2-4 बार तो खेल ही लिया इस पे, तो बैटरी बैकअप यहाँ पे काफी सही मिल रहा है, पहले से इंक्रीज है बैटरी बैकअप, मतलब कि iOS 18 के बीटा 4 से बीटा 3 से। बाकी रही बात इस 1 घंटे के परफॉर्मेंस की, तो इस 1 घंटे में तो भाई बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, मतलब इतना लैग मेरे को देखने मिला था ना, और वो जो वॉइस वाला मैंने आपको ग्लिच बताया उससे तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। मतलब सही में भाई मैं बस 1 ही घंटे गेम प्ले किया था उस टाइम, बट मैं उसके बाद में अगले दिन और उसके बाद भी जब मैं गेम प्ले किया iPhone XR पे तब हमारा गेम प्ले काफी अच्छा हो रहा था और वो माइक वाला इशू भी नहीं हो रहा था, मेरे को आवाज परफेक्टली आ रही थी सबकी। एंड बाकी ये जो iOS 18 का बीटा 5 अपडेट है ना, ये अपडेट काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस अपडेट में ना काफी सारे बग फिक्सेस वगैरह हुए हैं। एक तो वो गेम मोड का टेक्स्ट आपने देखा होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो iOS 18 के बीटा वाली तो आप देखते होंगे कि गेम मोड का जो टेक्स्ट था ना वो ग्लिच हो रखा था और अभी वो टेक्स्ट दिख रहा है, मतलब जो गेम मोड लिखा होता है ना उस टेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ। और बाकी 2-3 इश्यूज और थे काफी बड़े बड़े, एक मैं एग्जांपल के लिए और बता देता हूँ। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाता था ना और कहीं भी मैं इमोजी देखूं तो इमोजी जैसे ही मैं टाइप करता था तो वो रीसेंट इमोजीज में इमोजीज नहीं आते थे, मतलब मान लो कोई मैंने नया इमोजी किसी को भेजा तो रीसेंट इमोजी में मेरे नहीं दिखाता था iPhone XR में, iOS 18 के बीटा 4 पे, बीटा 3 पे, बीटा 2 पे भी। बट अभी वो वाला इशू भी फिक्स हो चुका है एंड और भी बहुत सारे इशूज है, बग्स है जो कि बहुत अभी तक चल रहे थे, बट वो सारे बग्स ना फिक्स हो चुके हैं और मेरे को iOS 18 का बीटा 5 वर्जन काफी ज्यादा पसंद आया। और बहुत लोग के क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमको iOS 18 का बीटा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए क्या, तो भाई देखो अभी तो करने का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी iOS 18 का बीटा 5 आ चुका है और जो बीटा वर्जन आते हैं ना ये 8 या 9 वर्जन आते हैं, मतलब कि iOS 18 का बीटा 8 या बीटा 9 तक ही आएगा, उसके बाद ऑफिशियल RC वर्जन आएगा मतलब कि iOS 18, तो अभी करने का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। एंड बाकी बीटा पे ना बहुत ज्यादा इश्यूज भी होते हैं, एक मैंने आपको ये माइक वाला इशू बता ही दिया और ये इमोजी वाला इशू, गेम टेक्स्ट वाला इशू और भी बहुत सारे इशूज होते हैं, बैटरी अच्छी नहीं चलती, मतलब 9 बीटा आते हैं ना तो 9 बीटा में से 7 बीटा पे तो भाई बैटरी अच्छी चलती नहीं है, बहुत ही बेकार चलती है और बैटरी हेल्थ भी बहुत जल्दी जल्दी गिरती है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप iOS 18 का बीटा 5 इंस्टॉल करो। एंड बाकी मैं खुद भी परेशान हूँ भाई XR पे इंस्टॉल करके, वो तो मैंने बस वीडियोस बनाने के लिए इंस्टॉल कर लिया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड यही था जी हमारी इस वाली वीडियो में, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर से करो यार, पहले 7% लोग ही सब्सक्राइब करते थे और अभी बस 6.3% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।